Hi guys, so as you all know, wedding season chal raha hai. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, mehndi, barat, walima. To sabse zyada important cheez kya hai being a girl? This? Haan, ye to important hai, lekin isse zyada ye important hai. Because agar aapki skin neat and clean na ho, aapka face neat and clean na ho, to jitna marzi makeup kar lo, fark nahi padta. तो सिचुएशन भी कुछ इस तरह की है कि ह्यूमन इंट्रैक्शन जितनी कम हो उतनी बेहतर है. बट ह्यूमन इंट्रैक्शन करनी ही क्यों है जब इतना अच्छा सलूशन है मेरे पास. और अब वैसे भी सैलून जाने की ज़रूरत ही क्या है जब घर बैठे इजी पीजी वे में सस्ते में काम हो जाए आपका. लेट मी टेल यू वन थिंग, ये देखें मेरी बिफोर की हालत. जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज मैंने अभी तक वैक्सिंग नहीं की कि मैं आप लोगों के सामने स्ट्रिप से करूंगी और दिखाऊंगी कि रिजल्ट्स क्या हैं और कितने इंस्टेंट हैं. अच्छा जी, तो दीज आर दी वैक्स स्ट्रिप्स जिनको मैं यूज करने वाली हूँ. दीज आर फॉर ऑल स्किन टाइप. सबसे पहले आप उनको हाथों में रब कर लेंगे ताकि वैक्स स्मूथ हो जाए. उसके बाद मैं दो सेक्शंस में डिवाइड कर लूंगी. उसके बाद आपने इसको पील ऑफ करना है एंड देन अपनी स्किन पे ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर हेयर आपने इसको अप्लाई कर लेना है, थोड़ा सा रब करना है एंड देन रिमूव कर लेना है. रिजल्ट आपके सामने हैं. उसके बाद पैक के अंदर ही वाइप्स अवेलेबल होंगे, उससे आपने अच्छे से स्किन को स्मूथ कर लेना है ताकि जो भी एक्सेस वैक्स हो वो आपकी स्किन से रिमूव हो जाए. ये रिजल्ट्स हैं, आप देखें कितनी स्मूथ स्किन हो गई है और कितना शाइन कर रही है. ये इनकी कंप्लीट रेंज है. लेट मी टेल यू वन थिंग, आप वैक्स बीन्स यूज़ करें, वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करें या क्रीम यूज़ करें, रिजल्ट्स इक्वली सेम है. और मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको करके दिखा देती हूँ फॉर योर सेटिस्फैक्शन. ये आफ्टर रिजल्ट्स हैं और बिफोर रिजल्ट्स तो आप छोड़ दें, वो सरासर शर्मिंदगी है और कुछ नहीं. आई होप यू गाइज लाइक इट. बाय.